वसीम शाह की तरफ से आप सबको शालोम। अजीजों, आपके बहुत इसरार पर मैं आज से अपने चैनल पर कलाम हक यानी किताब मुकद्दस के बारे तालीमी सिलसिला शुरू करने को हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस कोशिश को सराहेंगे और कमी बेशी के बारे आगा भी गाहे बगाहे करते रहेंगे। सबसे पहले आप सबसे इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बनी हुई घंटी को भी दबा दें ताकि वक्त पर आपको मेरी हर वीडियो आसानी से मैसर आ सके। शुक्रिया। चूँकि ये मेरी इस सिलसिला की पहली वीडियो है, लिहाजा आगाज़ में इस वीडियो में कलाम पाक के मुतअल्लिका दो किताबों के माना और वजाहत करना चाहता हूँ। अजीज़ो, आप सब ने तनाख और तलमूद के बारे सुना तो होगा, अगर नहीं भी सुना तो आज इस वीडियो में आप सबको इसी बारे बताया और समझाया जाएगा। सवाल नंबर एक, तनाख है क्या? मसीही इसे पुराना अहदनामा कहते हैं और यहूदियों के लिए यही पुराना अहदनामा तनाख है। सवाल नंबर दो, तलमूद क्या है? तलमूद असल में यहूदी जुबानी तुरेत है और इसका मतलब है मताला, किताबों में छानबीन करना, और आसान लफ्ज़ों में कुतुबीनी मुराद है। यहूदी नज़रिए में दो किस्म की तुरेत है, एक तहरीरी और दूसरी जुबानी। जुबानी तुरेत इसलिए कि शरीयत से मुतालिक जो बातें कलाम हक में कलम बंद नहीं, वो नस्ल दर नस्ल यहूदी लोग जुबानी अपने बच्चों को सिखा सकें कि कैसे शरीयत की बातों पर अमल करना है। मसलन सब्बत को कैसे पाक रखा जाए, फिर कलमा शिमा के पहले पैराग्राफ को देखें तो मिलता है कि खुदा उनको अपने अहकाम के बारे कहता है कि वो अपनी औलाद को सिखाएं, घरों में उठते बैठते लेटते जागते इनके बारे बातें करें, और फिर ये भी कि इनको अपनी पेशानी पर आँखों के दरमियान बांधें, बाजू पर बांधें। आखिरी आयत में ये रकम नहीं कि क्या बांधना है। फिर हमें निकाह और तलाक के तरीक़ाकार की वजाहत इसी से मिलती है। ये चंद मसाले हैं जिनसे आप जुबानी तुरेत की अहमियत जान सकते हैं। सवाल नंबर तीन, यहूदी तनाख और मसीही पुराना अहदनामे में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, आइए जानते हैं कि कैसे फ़र्क नहीं है। यहूदी फहरिस्त मुसलमा के मुताबिक तनाख की कुतुब तीन हिस्सों पर मुश्तमिल हैं, अवलन तोरा, सानियन नवीम, सलासन कतुवीम। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि पहला हिस्सा तुरेत है, यहूदी इसी को तनाख या तनख कहते हैं और हम उर्दू में इसको शरीयत भी कह सकते हैं। इसमें पुराने अहदनामा की पहली पांच कुतुब शामिल हैं। दूसरा हिस्सा नवीम कहलाता है। नवीम अबरानी में अंबिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें यशु, कजात, पहला और दूसरा समुएल, पहला और दूसरा सलातीन, यसाया, जर्मिया, हिस्कियेल, होसिया, युआएल, अमूस, अब्दिया, यूना, मेका, नाहूम, हबकूक, सफनिया, हिजी, सक्रिया और मलाकी शामिल हैं। तीसरा हिस्सा कतुवीम कहलाता है। इससे मुराद शायराना कुतुब हैं जिनमें जबूर, अमसाल और अयूब शामिल हैं। मजीद ब्रां इसमें हामिश मैकलोथ यानी गजल गजलात, रूद, नुहा, वाइस और आस्तर शामिल हैं। फिर इसमें दानियेल, अजरा और नहमिया, पहला और दूसरा तवारीख की किताबें भी मौजूद हैं। यहूदियों की तनाख में पहला और दूसरा सैमुएल, पहला और दूसरा सलातीन, पहला और दूसरा तवारीख, अजरा और नहमिया को इकट्ठा ही गिना जाता है, यानी कि ये एक एक किताब गिनी जाती है, जबकि मसीही इनको पहले और दूसरे हिस्सा में बांट देते हैं। फिर 12 अंबिया यानी कि होसिया, युआएल, आमोस, अब्दिया, यूना, मेका, नाहूम, हबकूक, सफनिया, हिजी, ज़करिया और मलाकी को भी एक ही किताब गिना जाता है। अब इन्हीं तीनों हिस्सों के पहले पहले हर्फ को अगर पढ़ा जाए तो तनक की आवाज़ आपके लबों से निकलेगी और यही आवाज़ लफ्ज़ तनाख को जन्म देने का सबब बने। लिहाजा इस तरह यहूदी किताब 24 कुतुब पर मुश्तमिल है और मसीही पुराना अहदनामा 39 कुतुब पर मुश्तमिल है, जिससे ये वाजिया
ہے کہ یہودی تنخ اور مسیحی پرانا عہد نامہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ آپ کی اور یہودی بائبل میں فرق ہے، تو اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی بہتر طور سے رہنمائی کر سکیں گے۔ میری اگلی ویڈیو میں آپ کو مشنا اور اس کے حصص کے بارے میں بتایا جائے گا۔ نیز میں کوشش کروں گا کہ یہوشوا یعنی المسیح اور زبان توریت کے بارے میں بھی بتاؤں۔ تب تک کے لیے عزیزو اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ شالوم الخیم۔